आपके मते इमेवाय आत्मा इदम सहितम निहत्य अविद्यां गमित्वा अन्नम सहितम आत्मते और सुनिए तद यथा तृण जलायुता, जैसे घास के जोंक हम लोग ठेंगी जोंक कहते हैं, घास के जोंक भी होता है एक पानी के जोंक, तो घास के जोंक क्या करता है एक आश्रय को पकड़े रहता है और दूसरा आश्रय को खोजता है, दूसरा आश्रय को खोजता है और दूसरा आश्रय जब पकड़ लेता है ऐसा तब इसको छोड़ता है। दूसरा दृष्टांत दिया भागवत में उसी बात को, तद यथा तृण जलयुक एवं तृण यथा तृण जलयुक एवं पदे केन गच्छति, दूसरा दृष्टांत जैसे हम लोग चलते हैं एक पांव धरती में एक पांव ऊपर रखते हैं, जब वो ऊपर वाला पांव धरती में रखते हैं तब फिर इसको उठाते हैं, उसी प्रकार ये जीवात्मा यहाँ से निर्गमन करते हैं, इस शरीर को छोड़ते बगैर ऐसा जोंक की जैसे वो दूसरा शरीर को खोजता है, कैसे खोजता है हमने क्या क्या किया, क्या अध्ययन किया, क्या कर्म किया, क्या संस्कार है, तो हमारे अंदर के जो प्रकाश जो निकलता है उस प्रकाश में क्या भाषित होता है, उसी भाषित अनुसार हमारा निर्गमन, जब हम वहाँ चले जाते हैं तो हम कौन होते हैं उनको स्वर्ग पठाने वाले, हम जो कहते हैं ना हम उसको यहाँ पठा देंगे वहाँ पठा देंगे, हमसे नहीं होने वाला। हाँ आपका जो सामाजिक कर्म है हम अपने चित्त को समझा श्रद्धांजलि इसको कहते हैं, हम श्रद्धा आपके जो माता पिता है आप हमारे लिए बहुत कुछ करके गए, हम आपके कीर्ति के लिए जश के लिए या कुछ मन संतुष्टि के लिए हम कुछ करते हैं, ये जो कहेंगे जो हम इसको वहाँ पर आपके माता पिता वहाँ भूखा प्यासा है यहाँ पर ये दान कीजिए वो दान कीजिए वहाँ मिलेगा, ये भ्रम नहीं। तो ये वेद में ये स्पष्ट बात बता रहा है, जो तद यथा तृण जलाय का तृण स अंतम गत्वा अन्नम तृणम आक्रमते, दूसरा घास को पकड़ लेता है उसी प्रकार ये मीमायम आत्मा इदम शरीरम निहत्य अविद्यां गमित्वा, इस शरीर को विभान करके अतव यहाँ से निकलता है, अतव निकलता है तो फिर दूसरा शरीर को पकड़ता है। अच्छा ये तो सर्वसाधारण लोग के लिए कहेंगे जो सब जीव का ऐसा ही होता है क्या, ऐसा भी नहीं, उसमें निकलने की बात बताए, तस्य हेतस्य हृदयस्य ग्रम प्रवृत्ते तेन प्रद्योतिन इस आत्मा निष्प्रावती, उस आप प्रकाश में जो निकलता है कैसे निकलता है चक्षुष्टो वा मूर्धनो वा अन्य भ्यूवा से दिशे, कभी आँख से कान से या और भी जैसे या मस्तक से, तो कभी कभी किसी का मूर्धा द्वार से निकलता है, कभी कभी कहते हैं एक जो सद्यो मुक्त जी ज्ञानी है उसका निर्गमन ही नहीं होता, वो उसी में बिला जाते हैं विलीन हो जाते हैं, ऐसा भी वेद में है। तो यहाँ कहते हैं जो आँख से निकलता है कि कान से निकलता है कि कैसे निकलता है किस द्वार से निकलता है उसकी भी विशेषता है, ब्रह्मसूत्र में उसका विचार किया, ब्रह्मसूत्र के चौथा अध्याय के द्वितीय पाद में उसका विचार किया, जो क्या सबका एक ही प्रकार का है ऐसा नहीं, तदोकुग्र ज्वलनम तत्प्रकाशित द्वारो विद्या सामर्थ्या तत्शेष गति अनुस्मृति योगाचा हरदानुगृहित शताधिकया, वहाँ बताए तो हरदानुगृहित शताधिक, देखिए हमारे शरीर में एक से एक नाड़ी प्रधान है, ऐसे तो हजारों बहत्तरों हजार नाड़ी कहते हैं, एक से एक नाड़ी का प्रधान का उसमें भी 14 नाड़ी उसमें भी 3 नाड़ी तीन नाड़ी में ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, उस तीनों नाड़ी में सुषुम्ना नाड़ी को प्रधान है और वो सुषुम्ना नाड़ी हमारे मूर्धा मस्तक तक वो मूलाधार से लेकर के पहुँची और जो उस द्वार से निकलता है उसका गति एक विशेष बताया जिसको मुक्ति बताते हैं, तो उसमें भी वहाँ ब्रह्मसूत्र में बताया क्रम मुक्ति माने बहुत नज़दीक मुक्ति कुछ भोग करके और उसके बाद तुरंत मुक्ति, तो ऐसा ये विद्या के सामर्थ्य से तो जैसे सर्वसाधारण जीव है उसका गति और जो उपासक है साधक है उसकी गति में फर्क है, नहीं तो सबका एक ही हो जाता तो ये विद्या असाधन भजन करने का क्या जरूरत, इसीलिए ये विचार है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग ये भ्रम में न पड़े कि हम ऐसा मरने के बाद ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो मेरे माता पिता को कुछ कहीं स्वर्ग मिल जाएगा या और कुछ
गति हो जाएगा, ये बात नहीं। इसलिए गीता में स्पष्ट बताया आत्मा भी आत्मनो आत्म उद्धरेत आत्मनो आत्मानम, अपने आप को अपने आप सुधार की, कोई किसी को उधार नहीं करता, जो करता है वही कर्म फल का आश्रय स्पष्ट। अब मान लीजिए गरुड़ पुराण से लीजिए, गरुड़ पुराण की ही आश्रय लेकर करते हैं, तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया जो यानी कानी च दानानी स्वयं दत्तानी मानवे तानी तानी च सर्वानी उपतिष्ठन्ति जागृत, जो कुछ भी आप दान करेंगे वो आपको आगे मिलेगा जीते जिंदगी, स्वे अपने हाथ से, दूसरे के हाथ से नहीं, अपने हाथ से। यानी कानी च दानानी स्वयं दत्तानी, अपने हाथ से जिसने दान किए जीवन में, यानी कानी च दानानी स्वयं दत्तानी मानवे तानी तानी च सर्वानी उपतिष्ठन्ति जागृत, तब कहेंगे अभी दान करेंगे बाद में कैसे मिलेगा। यही है मीमांसा शास्त्र, अदृष्ट अदृष्ट छिपा रहा था। कहेंगे कोई पूर्व जन्म में क्या किया, अभी वो भोग का, कोई करोड़पति घर में अरबपति घर में जन्म लेता, किसी को दूध भी नहीं मिलता, किसी को रहने का जगह नहीं, ये पूर्व जन्म का कमाई। अच्छा तो ये है एक कर्म की बात, तो बातें तो बहुत है, लेकिन इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है जो हम लोग जो ये भी एक क्रांति है, ये संत लाइन का, संत के जो परंपरा, संत के प्रक्रिया के अनुसार जो इसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी होती है और लोगों के दिमाग भी खुलता है इस कार्यक्रम से, जिससे कि ये कार्यक्रम आगे भी बढ़ते रहे। मैं इस YouTube चैनल के द्वारा आप लोग को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें, और मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर के अपने वाणी को यहीं विराम लेता हूँ। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। टच करो, टच करो।